क्या आप भी प्रेगनेंसी में खुजली से परेशान हैं? तो जानेंगे इस वीडियो में कि आप प्रेगनेंसी के दौरान खुजली से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे को अपनाकर आप आसानी से प्रेगनेंसी में खुजली से बच सकते हैं। आपको बता दूं, प्रेगनेंसी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रेग्नेंट महिला को परेशान करती है। ये सारी चीज़ें आपके शरीर में हो रहे हार्मोनल चेंजिंग की वजह से आते हैं। इन सारी दिक्कतों में एक दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में खुजली की दिक्कत। आपको बता दूं, प्रेगनेंसी में अगर आपको खुजली होती है तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस में रहती है। तो आप वीडियो को देखें और आप कुछ घरेलू उपाय को अपनाएं, आपका खुजली आसानी से तुरंत ठीक हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए टिप्स टू यू YouTube चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि चैनल पर प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं प्रेगनेंसी में खुजली से बचने के क्या क्या घरेलू उपाय होते हैं। पहला उपाय, नींबू का रस। आपको तो पता ही होगा कि नींबू के रस में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो प्रेगनेंसी में खुजली पैदा करने वाले माइक्रोब्स को हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। थोड़े से नींबू के रस में आप एक गिलास पानी मिला दें दोनों को, यानी एक गिलास पानी में आप थोड़े से नींबू का पानी डाल दें और वैसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं जहां आपको खुजली हो। आपको बता दूं, अगर आप ऐसा करती है तो ऐसा करने से आपकी खुजली खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आप खुजली से बचने के लिए किसी भी प्रकार का क्रीम इस्तेमाल करना चाहती है तो आप प्रेगनेंसी में कैलामाइन लोशन का यूज कर सकती है खुजली को कम करने के लिए, क्योंकि यही आपके लिए बेस्ट क्रीम रहेगा खुजली से बचाने के लिए। आइए जानते हैं दूसरी घरेलू उपाय। दूसरा घरेलू उपाय है बर्फ का टुकड़ा। आपको मैं बता दूं, प्रेगनेंसी में अगर आप बर्फ़ के टुकड़े से वैसे जगहों पर जहां आपको खुजली होती है वहां पर उस बर्फ़ के टुकड़े से सेकाई करती है तो इससे भी आपको खुजली से छुटकारा मिलेगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप सूती के कपड़ों में जो कि अच्छे तरीके से साफ हो उसमें बर्फ़ के गोले डाल दें। उसके अलावा जिन जगहों पर आपको सूजन या खुजली होती हो उस जगह पर आप उस बर्फ़ के गोले से घिसाई करें। ऐसा करने से आपको खुजली से तुरंत राहत मिलेगा। तीसरा उपाय, नारियल तेल। आपको बता दूं, आप नारियल तेल को वैसे जगहों पर मालिश करें जहां आपको खुजली होती हो। आपको नारियल तेल वैसे जगहों पर मालिश करना है जहां आपको खुजली होती हो। आप उतनी देर तक मालिश करते रहें जब तक कि नारियल तेल उस जगह से सूख ना जाए। अगर आप ऐसा दिन में दो बार करती है तो इससे भी आपको खुजली से आसानी से छुटकारा मिल जाता है। चौथा घरेलू उपाय, एलोवेरा। आपको मैं बता दूं, एलोवेरा जेल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यह आपको खुजली से छुटकारा दिलाता है। आपको मैं बता दूं, आपको दिन में बस दो बार एलोवेरा जेल वैसे जगहों पर लगाना है जहाँ की आपको खुजली हो, यानी खुजली वाले प्रभावित अंग पर अगर आप एलोवेरा जेल से मालिश करती है तो इससे आपको खुजली से आसानी से राहत मिलती है। अगर आप इन चार घरेलू उपाय को अपनाती है तो इन चार घरेलू उपाय को अपनाने के बाद आपको प्रेगनेंसी में खुजली से राहत मिलती है। तो यही सब थी हमारी आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।